इस वीडियो के साथ हम शुरू कर रहे हैं एक और नया सब्जेक्ट इस चैनल पर जिसका नाम है ऑडिटिंग, जो कि सब्जेक्ट है बीकॉम सिक्स्थ सेमेस्टर का। और आपको पता होगा जो भी हमारे इवन नंबर ऑफ सेमेस्टर्स हैं, यानी कि सेमेस्टर टू, सेमेस्टर फोर और सेमेस्टर सिक्स, वो ओएमआर पैटर्न पर हो रहा है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे, एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस, ठीक है। और सेमेस्टर वन, थ्री और फाइव जो है आपका सब्जेक्टिव रहेगा, यानी कि उसमें पूरी आपकी थ्योरी रहेगी, ठीक है। तो शुरू से हम ये सब चीज़ें डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। हमने काफ़ी सारे सब्जेक्ट इस चैनल पर कवर किए, ठीक है, मोर देन 15 सब्जेक्ट्स हम कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने सब्जेक्टिव सब्जेक्ट्स भी हमने कवर किए, जिसमें हमने थ्योरी सब चीज़ों की समझी पढ़ी, ठीक है। और काफ़ी सारे ऐसे सब्जेक्ट्स पे हमने कवर किए जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव थे, एमसीक्यूज बेस्ड। तो अब बारी है सेमेस्टर सिक्स के सब्जेक्ट की, जो कि ऑडिटिंग, जो कि अगेन हमारा ओएमआर पैटर्न पर बेस्ड है, एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करें सबसे पहली वीडियो है हमारी ऑडिटिंग की, उसको शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है वीडियो का, व्हेन डिड ऑडिटिंग एज अ प्रैक्टिस फर्स्ट इमर्ज। तो ऑडिटिंग के बारे में आपको पता होगा, हमने पिछले कुछ सब्जेक्ट्स में ये सब चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है, समझी हैं। जो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग था उसमें भी ऑडिटिंग थी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमने ऑडिटिंग के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो हमने ऑडिटिंग के बारे में पहले भी डिस्कस सब चीज़ें करी हैं और आपको पता भी होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। और अगर आपको नहीं पता तो थोड़ा ऊपर ऊपर से ऐसे समझ लेते हैं। ऑडिटिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी कंपनी के अंदर जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती हैं उन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को एक बार क्रॉस चेक करना, ठीक है, उनमें देखना कोई कमी तो नहीं है, उनको चेक इस तरीके से करना कि वो बिल्कुल मैच हो जाए जो भी एक्चुअल में ट्रांजेक्शन हुई हैं उनसे, ठीक है। तो उसी प्रोसेस को हम ऑडिटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं उनको चेक करना, उनको पूरी तरीके से क्रॉस चेक करना, उनकी एक्यूरेसी को देखना, यही ऑडिटिंग कहलाता है, ठीक है। और ये काम कौन करता है, एक ऑडिटर, जो पर्सन ये काम करता है उसको हम बोलते हैं ऑडिटर, राइट। और भी कुछ जो भी चीज़ें होंगी बताने लाइक, वो मैं आपको आगे बताता हुआ चलूंगा। फिलहाल बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की, व्हेन डिड ऑडिटिंग एज अ प्रैक्टिस फर्स्ट इमर्ज। सबसे पहले जो ऑडिटिंग थी, ऑडिटिंग की प्रैक्टिस कहाँ या फिर कब इमर्ज हुई, ठीक है, ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इन एंशियंट सिविलाइजेशन, इन द रिनेसेंस पीरियड, या फिर इन द अर्ली 20th सेंचुरी। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, इन एंशियंट सिविलाइजेशन, ठीक है। तो सबसे पहले जो ऑडिटिंग की प्रैक्टिस थी वो इमर्ज हुई, शुरुआत हुई उसकी कहाँ पर, इन एंशियंट सिविलाइजेशन, ठीक है। एंशियंट सिविलाइजेशन यानी कि बहुत पहले के समय की ये बात कर रहे हैं, जब ट्रेडिंग वगैरह होती थी, ठीक है। ट्रेडिंग वो वाला नहीं जो आज के समय में ट्रेडिंग कर रहे हैं लोग, या ये ग्राफ इतना उठ गया तो यहाँ पर पैसा लगा दिया, स्टॉक मार्केट वाली ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। ट्रेड यानी कि जो सामान का लेना देना और सारी ट्रांजेक्शन लेन देन उनकी वहाँ पर होती थी उस चीज़ की, ठीक है। तो एंशियंट सिविलाइजेशन में फर्स्ट ऑडिटिंग की प्रैक्टिस हुई, इमर्ज हुई, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, विच एंशियंट सिविलाइजेशन इज क्रेडिटेड विद अर्लीस्ट नोन रिकॉर्ड ऑफ ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस। तो कौन सा एंशियंट सिविलाइजेशन क्रेडिट हुआ अर्लीस्ट रिकॉर्ड ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस में, एंशियंट इजिप्ट, एंशियंट ग्रीस, मेसोपोटेमिया, या फिर एंशियंट रोम। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, मेसोपोटेमिया, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, मेसोपोटेमिया हिस्टोरिक रीजन है वेस्ट इंडिया का, ठीक है। तो यहाँ से वो ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस हुई और सबसे पहले एंशियंट सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें तो वो मेसोपोटेमिया में हुआ, राइट। आगे इन एंशियंट मेसोपोटेमिया व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ऑडिटिंग। एंशियंट मेसोपोटेमिया हमने अभी अभी जाना, तो उसमें क्या प्राइमरी पर्पस था, क्या मेन ऑब्जेक्टिव था ऑडिटिंग का, टू एंश्योर कॉम्प्लायंस विद टैक्स रेगुलेशंस, टू वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, टू असेस द परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, या फिर टू प्रिवेंट फ्रॉड इन ट्रेड ट्रांजेक्शन। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, टू प्रिवेंट फ्रॉड इन ट्रेड ट्रांजेक्शन। तो जो भी उसमें ट्रेड होता था, उसमें जो भी ट्रांजेक्शन होती थी, उसमें किसी भी तरह का फ्रॉड ना हो, इस चीज की देखभाल करना ही मेन पर्पस होता था ऑडिटिंग का, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सी नहीं है यहाँ पर, इसको इरेज कर देते हैं। तो ऑप्शन सी नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है हमारा, टू प्रिवेंट फ्रॉड इन ट्रेड ट्रांजेक्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रोल ऑफ ऑडिटर्स इन एंशियंट ग्रीस। ऑडिटर्स का क्या रोल रहता था एंशियंट ग्रीस में, ठीक है, पहले समय की ये बात कर रहे हैं, बहुत पास्ट की हम यहाँ पर अभी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या उनका रोल रहता था, एंश्योरिंग फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अमंग सिटीजन, रिव्यूइंग द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स, ओवरसीइंग रिलीजियस सेरेमनीज एंड रिचुअल्स, या फिर मैनेजिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, रिव्यूइंग द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स। तो जो एंशियंट ग्रीस में ऑडिटर्स थे उनका रोल यही था कि जो भी पब्लिक ऑफिशियल्स थे उनके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को वो रिव्यू करें, यानी फिर से एक बार चेक करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। मॉडर्न अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग कौन सी हुई है, इस समय वाली, ठीक है, जो इस समय हम ऑडिटिंग कर रहे हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं, इसके फादर कौन थे, किसको कंसिडर किया गया है फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, ल्यूका पैसिओली, जॉन मेनर्ड केनस, एडम स्मिथ, या फिर कर्ल मार्क्स। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, ल्यूका पैसिओली, ठीक है। तो ल्यूका पैसिओली को कंसिडर किया गया एज अ फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग एंड
ऑडिटिंग, ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, व्हाट सेंचुरी डेड ल्यूका पैसियोली पब्लिशेस फेमस वर्क ऑन पब्लिक सॉरी डबल एंट्री बुक कीपिंग, ठीक है, तो किस सेंचुरी में ल्यूका पैसियोली जो कि फादर है मॉडर्न अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के, इन्होंने अपनी एक फेमस बुक पब्लिश करी डबल एंट्री बुक कीपिंग पर, वो कब करी, कौन सी सेंचुरी में करी, हमसे पूछा गया बेसिकली। तो ऑप्शन है 14th सेंचुरी, 15th सेंचुरी, 16th सेंचुरी या फिर 17th सेंचुरी है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 14th सेंचुरी, ठीक है, तो 14th सेंचुरी में उन्होंने डबल एंट्री बुक कीपिंग पर अपनी बुक जो है वो पब्लिश करी, और ईयर था वो 1494, ठीक है, 1494 ईयर था, और ईयर भी आपसे पूछ सकते हैं इसलिए मैंने आपको बता दिया, और सेंचुरी अगर आपसे पूछेंगे तो वो 14th सेंचुरी मानी जाएगी, ठीक है। आगे, व्हाट मेजर कंट्रीब्यूशन डिड ल्यूका पैसियोली मेक टू द फील्ड ऑफ ऑडिटिंग, कौन सा मेजर कंट्रीब्यूशन ल्यूका पैसियोली ने किया इन द फील्ड ऑफ ऑडिटिंग, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी, डेवलपमेंट ऑफ द ऑडिट रिस्क मॉडल, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गाइडलाइंस फॉर इंटरनल, कुछ है यहाँ पर इवैल्यूएशन मिसप्रिंट हो गया वो, फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल सेप्टिसिज्म, ठीक है, तो क्या मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन था ल्यूका पैसियोली का इन द फील्ड ऑफ ऑडिटिंग, वो है ऑप्शन ए इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी, ठीक है, तो इन्होंने इंट्रोडक्शन किया किसका, मटेरियलिटी के कॉन्सेप्ट का। अब ये कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी होता क्या है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी बेसिकली बहुत सिंपल सी चीज है, इफ द इंफॉर्मेशन इज सिग्निफिकेंट देन इट इज मटेरियल, अगर इंफॉर्मेशन जो भी रिकॉर्ड करी गई है फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में अगर वो सिग्निफिकेंट है, अगर उससे हमारी हेल्प हो रही है, ठीक है, जिस चीज के लिए हमें जरूरत है वो काम हमारा उस फाइनेंशियल रिकॉर्ड से हो रहा है, उस इंफॉर्मेशन से हो रहा है, तो वो रिकॉर्ड हमारा मटेरियल है, ठीक है, और अगर वो हमारे काम नहीं आ रही, वो सारे रिकॉर्ड हमारे काम नहीं आ रहे, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे काम नहीं आ रही, तो वो इमटीरियल है, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी लाए हमारे ल्यूका पैसियोली भाई साहब इन द फील्ड ऑफ ऑडिटिंग, ठीक है, और ये इनका मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच हिस्टोरिकल इवेंट सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स, तो यूनाइटेड स्टेट्स में किस हिस्टोरिकल इवेंट ने इन्फ्लुएंस करा ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के डेवलपमेंट को, द ग्रेट डिप्रेशन, द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन या फिर द रेनेसांस। हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट, द ग्रेट डिप्रेशन, और ये हुआ कब था, 1929 में, ग्रेट डिप्रेशन में बेसिकली हुआ ये था कि जो स्टॉक मार्केट था वो क्रैश हो गया था, ठीक है, तो वो आया था हमारा ग्रेट डिप्रेशन, और इसने बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करा ऑर्डरिंग स्टैंडर्ड्स के डेवलपमेंट को, ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, द ग्रेट डिप्रेशन, राइट। आगे, विच ऑडिट सैम्पलिंग मेथड रिलाइज ऑन द ऑडिटर्स जजमेंट टू सिलेक्ट सैंपल आइटम्स, इनमें से कौन सा ऑडिट का सैंपल मेथड है, ऑडिट सैंपलिंग मेथड है जो कि रिलाई करता है ऑडिटर्स के जजमेंट पर जिससे कि वो सैंपल आइटम्स को सिलेक्ट करे, रैंडम सैंपलिंग, सिस्टमेटिक सैंपलिंग, हैफजर्ड सैंपलिंग या फिर जजमेंटल सैंपलिंग। जजमेंट वर्ड आपको क्वेश्चन में मिला, वहीं से आंसर इसका निकल गया है, जजमेंटल सैंपलिंग वो मेथड है जिससे जो एक ऑडिटर है वो सिलेक्ट कर सकता है किसी भी सैंपल आइटम को, ठीक है, तो जजमेंटल सैंपलिंग यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द सिक्योरिटीज एक्ट ऑफ 1933 एंड द सिक्योरिटीज एक्सचेंज एक्ट ऑफ 1934। तो पर्पस हमसे पूछा गया है सिक्योरिटीज एक्ट 1933 एंड सिक्योरिटीज एक्सचेंज एक्ट 1934 का, ये दोनों ही एक्ट जो हमारा ग्रेट डिप्रेशन था उसके बाद आए थे, यानी कि 1929 के बाद ही आए थे, ठीक है, जिससे कि जो भी सिचुएशन खराब हुई थी, जो भी प्रॉब्लम्स हुई थी, उन सबको थोड़ा फिक्स किया जा सके, सही किया जा सके। तो क्या इसका प्राइमरी पर्पस था, टू एस्टैब्लिश द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन SEC, टू रेगुलेट द सेल एंड ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज इन द यूनाइटेड स्टेट्स, टू प्रोवाइड गवर्नमेंट सब्सिडीज टू स्ट्रगलिंग कंपनीज या फिर टू स्टैंडर्डाइज ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस अक्रॉस इंडस्ट्रीज। हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट, टू रेगुलेट द सेल एंड ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो द ग्रेट डिप्रेशन जब आया 1929 में, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी सिचुएशन खराब हुई, उनको सही करने के लिए ये दोनों एक्ट पास किए गए 1933 और 1934 में, जिनका प्राइमरी पर्पस था रेगुलेट करना सेल और ट्रेडिंग और सिक्योरिटीज की यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट, इसमें से कौन सा एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं ऑडिट का, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, एक्सप्रेशन ऑफ एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एश्योरेंस ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन या फिर एग्जामिनेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड हमारा ऑब्जेक्टिव तो है ऑडिट का, लेकिन ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं, ये एक सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है। जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहता है ऑडिट का वो ये रहता है कि इंश्योर करे जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एक्यूरेटली रिप्रेजेंट कर रही हो अपनी फाइनेंशियल पोजिशन और परफॉर्मेंस को, ठीक है, तो ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहता है ऑडिट का, और डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये एक सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है, राइट, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स इन एन ऑडिट, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स ऑडिट के जो होते हैं उनका क्या पर्पस होता है मेन, टू टेस्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, टू आइडेंटिफाई मटेरियल मिस स्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, टू इंश्योर कंप्लायंस विद रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स या फिर टू असेस मैनेजमेंट इंटीग्रिटी।
हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट टू आइडेंटिफाई मटेरियल मिस स्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वही मिस स्टेटमेंट मटेरियल की जो मैंने आपको बताया था अभी मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, उसी से रिगार्डिंग यहाँ पर बात की जा रही है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ये मेन पर्पस रहता है हमारा सब्सटेंटिव प्रोसीजर का ऑडिट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन इनहेरिटेंट लिमिटेशन ऑफ एन ऑडिट। तो बेसिकली लिमिटेशन पूछी जा रही है हमसे ऑडिट की, मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल, ऑडिटर इंडिपेंडेंस, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, या फॉर एक्सटेंसिव यूज ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स। तो ये एक लिमिटेशन है ऑडिट की, ठीक है। अब ये लिमिटेशन क्यों है, क्योंकि जो हमारा मैनेजमेंट है, जो भी एक कंपनी के अंदर जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को पूरा वो एक्यूरेसी चेक कर रहे हैं, वहाँ पर जो मैनेजमेंट है वो उनको एक्सेस कर सकता है जो भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, तो उसमें वो किसी भी तरह का मैनिपुलेशन कर सकता है, जो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है उसमें कोई भी चेंज कर सकता है, कुछ बदलाव कर सकता है, जिससे उस कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजिशन और परफॉर्मेंस है वो एक्यूरेट नहीं शो होगी, ठीक है। तो ये एक थोड़ा लिमिटेशन माना जाता है ऑडिट का, क्योंकि एक्सेस सबके पास होगा और वहाँ पर वो कुछ भी उसमें गड़बड़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटर रिगार्डिंग फ्रॉड। तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है एक एक्सटर्नल ऑडिटर की फ्रॉड के रिगार्डिंग, टू इंश्योर दैट फ्रॉड डज नॉट अकर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, टू प्रोवाइड एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम फ्रॉड, टू डिजाइन एंड इंप्लीमेंट इंटरनल कंट्रोल्स टू प्रिवेंट फ्रॉड, या फिर टू हैव अ रीजनेबल एक्सपेक्टेशन ऑफ डिटेक्टिंग मटेरियल मिस स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, टू हैव अ रीजनेबल एक्सपेक्टेशन ऑफ डिटेक्टिंग मटेरियल मिस स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड, ठीक है। तो वो एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन को देखे, जिससे कि वो मटेरियल डिटेक्टिंग जो मटेरियल मिस स्टेटमेंट है उसको वो डिटेक्ट कर सके फ्रॉड की वजह से जो हुआ हो, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजर्शन रिलेटेड टू अकाउंट बैलेंसेस। इनमें से कौन से एक एजर्शन नहीं है अकाउंट बैलेंस से रिलेटेड, जो कि है एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, या फिर ट्रांजेक्शन कट ऑफ। तो अकाउंट बैलेंस से रिलेटेड इनमें से कौन सी एक assertion नहीं है, एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, या फिर ट्रांजेक्शन कट ऑफ। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ट्रांजेक्शन कट ऑफ, ठीक है। तो ये थे कुछ MCQs ऑडिटिंग सब्जेक्ट के। इसी तरह से आगे भी हम आने वाली वीडियोस में काफी सारे MCQs कवर करने वाले हैं ऑडिटिंग सब्जेक्ट के। उन वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल पर नए हैं तो, ठीक है। और वीडियोस का पर्पस सिर्फ इतना है कि आपको थोड़ा सा अवेयर किया जाए किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, वो आपको बताया जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही आपको देखने मिलने वाले हैं आपके एग्जाम में, राइट। कोई भी ऐसी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं लग रही, बहुत सिंपल चीज़ है, ठीक है, बेसिक चीज़ है। आपको करना बस इतना है कि जो भी वीडियोस आपको प्रोवाइड करी जा रही है उनको देखना है, समझना है, उनको थोड़ा चीज़ें याद करने की कोशिश करनी है, थोड़ा आप खुद से नोट्स बना सकते हो, ठीक है, साथ साथ वीडियो देखते हुए। तो चीज़ें आपको और ज़्यादा अच्छे से रिवाइज हो जाएंगी, बहुत अच्छे से आप याद रख पाओगे इन चीज़ों को, और एग्जाम में भी आप बहुत ऑब्वियसली चीज़ें कर पाओगे, ठीक है। जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं आप उनको सॉल्व कर पाओगे, राइट। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।